एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मिस्टर मॉइस में। तो यहाँ पे पैच डिटेल आ चुकी है और यहाँ पे भाई सारे घोस्ट राइडर और सिन का जो यूनिफॉर्म है उसका स्किल इफेक्ट है और आर्टिफेक्ट भी आए हैं घोस्ट राइडर और सिन के। और घोस्ट राइडर का आर्टिफेक्ट जो है ना भाई वो काफ़ी ज़्यादा अलग है जो कि आप सोचोगे। तो भाई मैं बताऊँगा घोस्ट राइडर का आर्टिफेक्ट एक्चुअली पीवीपी आर्टिफेक्ट है, समझो, सबर करो, मैं बताता हूँ। सबसे पहले घोस्ट राइडर से स्टार्ट करते हैं। घोस्ट राइडर का 7750 क्रिस्टल, 1750 क्रिस्टल का यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल सुपर हीरो और इसका जो है यूनिफॉर्म इफेक्ट बोलूँगा सही है, ठीक है, ओके। पुराने यूनिफॉर्म से कंपेयर करने तो वो मैं कर करूँगा। और इसका सपोर्ट वही है, मतलब 120% सुपरविलेंस के खिलाफ डैमेज इंक्रीज करेगा, ठीक है, इसका टीयर टू पैसिव में और ठीक, सब ठीक है, ओके। स्किल में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा मैं, फर्स्ट चेक करूँगा। सुपर आर्मर है इधर, देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने लाइव स्ट्रीम में भूल गया था मैं, बट इसके मतलब वन स्किल और नहीं टू स्किल में सुपर आर्मर चीज़ है, इंक्रीज बेसिक डैमेज डिफेंस बाय 20% चीज, ओके, मतलब इफेक्ट ओके। थ्री नंबर स्किल, फोर नंबर स्किल एंड फाइव नंबर स्किल, ये कुछ ज़्यादा स्पेशल है। और फोर नंबर जो स्किल है ना, ये मैं बोलूँगा थोड़ी अच्छी है, जस्ट मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो इसको करना पड़ेगा 3 5 4 आई थिंक, ओके, थ्री, या इसका उल्टा होगा 5 3 4, मतलब यहाँ पे थ्री में स्किल आपको मिलेगी 30% HP रिकवर होगा, ठीक है, और ऑल बेसिक डैमेज और डिफेंस जो रहेगा वो 20% ऑल अटैक वो सब होगा, समझे। और यहाँ पे इसके जो फाइव नंबर स्किल है वो है इनविजिबिलिटी, जो कि एक्चुअली में हम यूज़ करेंगे तो फिर हमको HP रिकवर करना है, तो इसलिए 5 3 4 होगा। एलएफ में मैंने उल्टा बोल दिया था, 3 5 4 बोला था, यहाँ पे बोल रहा हूँ 5 होगा फिर 3 होगा फिर 4 होगा, क्योंकि 4 नंबर स्किल में है। ध्यान से देखो इसके अंदर सारी चीज़ें ऐसे देखो भर भर के इधर डाल दी है, देखो देखने से पता चलता है भाई इसके अंदर कितना मसाला डाले हुए हैं। इसलिए घोस्ट राइडर का आर्टिफैक्ट मैं बोल सकता हूँ, स्किल मैं सिर्फ डिटेल में नहीं बता पाऊँगा ना, आप ऐसे समझ पाऊँगे मैं क्या बोलूँगा, बता ही नहीं सकता मैं, ओके। और आगे की बात करते हैं 1750 क्रिस्टल, अगर आपको कंफ्यूज हो रहे तो भाई डेफिनेटली मैं इसका यूनिफॉर्म लूँगा, ब्लैक बोल्ट से कंपेयर भी होगा, फिर इसका यूनिफॉर्म कहाँ काम आने वाले वो बताऊँगा। बात करें सिन की, जो कि एक्चुअली में पेड यूनिफॉर्म है, टोकन से मिलने वाली है, रिवेंज टोकन से, और यह है ये स्पीड सुपर विलन, ओके। और यहाँ पे जो है तो ये देख लो कि इसका यूनिफॉर्म इफेक्ट, चलो ठीक ही है, ओके, ये ऑल अलायंस को नहीं दे रही इसका यूनिफॉर्म इफेक्ट, लेकिन इसका टीयर टू पैसिव है सुपर विलियंस अलायंस को देगा, सुपर विलियंस को खाली ये देगी सपोर्ट। और इसका सपोर्ट मैं बोलूँगा इतना खास भी नहीं है यार, पेड यूनिफॉर्म के हिसाब से भाई पेड यूनिफॉर्म है तो याद रखना इतना खास भी है, सपोर्ट नहीं दे रही है। देखो इंक्रीज बेसिक डैमेज डल टू बॉस टाइप 55%, ये क्या बात हुई यार, ऐसा अच्छा सिर्फ दे रही है यार, सिर्फ फ्री यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इफेक्ट में इसका बॉस टाइप मतलब देख लो जाके तुम, आई थिंक मुझे याद है सिर्फ ही दे रही है वो। और इसका पैसिव में कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को सपोर्ट देगी, इसका लीडरशिप भी कुछ ऐसे इंक्रीज दिखा रहे नहीं है, और बोलूँ तो ये आपके ऊपर है। मैं देखो पैसा बहुत है तो आपकी मर्जी, और पैसा नहीं है तो भाई लूना स्नो को नहीं लिया तो फिर ये किस खेत की मूली है, यही बोलूँगा मैं, समझ गए। बात करें आगे तो इसकी स्किल देख लेते हैं, टीयर फोर स्किल घोस्ट राइडर, और मैं बोलूँगा भाई इसकी टीयर फोर स्किल क्या है, ये 20% HP रिकवर 1 सेकंड, अब आई थिंक ऐसा लगता है कि भाई एक एक सेकंड में इसकी 20% पर सेकंड ऐसे HP रिकवर होगी, आई थिंक अब आएगा अपडेट उसको टीयर फोर करूँगा, अगर अच्छा मैं बोल रहा हूँ ना परफॉर्म अच्छा देगा लेवल 80 पे, डेफिनेटली टीयर फोर होने होने घोस्ट राइडर को, क्योंकि इसका आर्टिफैक्ट मैं लेने वाला हूँ, यस आर्टिफैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग भाई, मैं बोलूँगा आप सोचे नहीं होंगे आर्टिफैक्ट को, इंक्रीज और रेसिस्टेंट बाय 80% 10 सेकंड, चलो इंक्रीज फ्लेमिन डैमेज बाय 50% ऑफ फ्लेमिन रेसिस्ट अप टू 100% 10 सेकंड, अप टू 100%, ओके ठीक है। देखो ये स्किल थोड़ा समय समझ नहीं पा रहा हूँ, ओके। अब यहाँ बात करें सिन की टीयर 3 स्किल है, देखो टीयर 3 स्किल जो है इसका के फायर डैमेज सेंसिव, ठीक है टीयर 3 स्किल अच्छी है, मतलब अच्छी है इसकी सिन की, बट ये नहीं कि यूनिफॉर्म पेड है तो सोच समझ के, ओके थोड़ा सा। और बात है यहाँ आर्टिफैक्ट भाई धमाकेदार बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट, आप जाके वुल्वरिन देख लो, वुल्वरिन कार्नेज हैला ये जो आर्टिफैक्ट्स है ना, प्लीज़ जाके उनके आर्टिफैक्ट देखो। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, घोस्ट राइडर का आर्टिफैक्ट नंबर ये है, गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी HP ड्रॉप्स नॉट ड्रॉप टू 1 एंड बिलो, समझो ये है भाई जब अपने कार्नेज हैला और वुल्वरिन का आर्टिफैक्ट रहता है तो क्या HP 1 पे रुक जाती है, सेम टू सेम ये वो है। और यहाँ मुझे लग रहा है भाई इसको PvP बना के PvE+ करेंगे, या फिर इसको पूरा PvP बनाने वाले हैं,
क्योंकि स्किल ऐसे लग रही है। तो ओके, तो ऐसे ही पी पी प्लस पी वी होगा विद आर्टिफेक्ट के साथ, आर्टिफेक्ट के बिना मैं बोलूँगा तो पी वी ई में ज़्यादा काम आएगा एंड वो ब्लैक बोल से ज़्यादा अच्छा रहता है, ब्लैक बोल से कमज़ोर रहता है, तो कंपेरिजन कल आ जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ, स्किल कंपेयर मैं आज ही कर दूँगा। ओके, और बात है सीन कार्ड में बोलूँगा, देखो ये एकदम सिंपल सिंपल है, इसके अंदर 50% एचपी रिकवर है। वुल्वरिन का आर्टिफेक्ट जाकर देख लो भाई, वुल्वरिन का आर्टिफेक्ट देखो आपको मिल जाएगा गेम में, तो प्लीज़ जाकर देख लो, समझे। मतलब गेम में आपको मैं दिखा दूँगा, रुको सबर करो अभी दिखाता हूँ। या ये सिर्फ इफेक्ट ध्यान रखना, ओके ये रहा, और ये इफेक्ट नवा, ये वाला इफेक्ट मैक्स जो है ना, ये इफेक्ट नवा है जो कि भाई मैं बोलूँगा इसको पीवीपी बनाने का घोषणा है। तो बात है इस सीन की, तो सीन का एक तरह से बोलूँ तो सपोर्ट आर्टिफेक्ट, मतलब सपोर्ट के हिसाब से देगा वो, तो सीन का आर्टिफेक्ट इतना नहीं, लेकिन घोषणा भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, तो यहाँ देख लीजिए स्किल मैं बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे आपको आर्टिफेक्ट दिखाता हूँ। चलो वुल्वरिन का आर्टिफेक्ट देखो क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, गार्बेज इम्यूनिटी यही एच पी ड्रॉप नॉट ड्रॉप टू वन ब्लो, देखें 50% एच पी रिकवरी है, सेम टू सेम, सेम टू सेम किसका है, घोस राइडर का, समझे, सेम टू सेम इफेक्ट घोस राइडर का है। तो यहाँ पे अब क्या निकल गया था कि भाई घोस राइडर को आर्टिफेक्ट के साथ पी पी में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा तो लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो हाँ हैला का देख लो, सेम टू सेम हैला की भी, समझ हो। तो ये ऐसे जो आर्टिफेक्ट है ना भाई, वो पी पी में ज़्यादा यूज़ होते हैं, कार्नेज का ले लो, हैला का ले लो, वुल्वरिन का ले लो, आई थिंक कार्नेज चाहिए होगा, कार्नेज का आर्टिफेक्ट, ओके 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 रहा, देख लो आपके सामने। तो मुझे लग रहा है अब घोस्ट राइडर भी पी पी कैरेक्टर बन जाएगा, अगर आर्टिफेक्ट नहीं है तो उसको पी वी ई में यूज़ करते, क्योंकि वो 1750 क्रिस्टल का यूनिफॉर्म है और अपना ब्लैक बोल्ट भी रिटर्न आ रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। और आप कन्फ्यूज हो ब्लैक बोल्ट लेना या फिर घोस्ट राइडर, वेट करो मैं वीडियो बना दूँगा, कंपेयर कर दूँगा, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कल अपडेट आने वाले। ओके।